वेलकम टू सी एल सी जुडिशियल। यह 32 बिहार जे इंटरव्यू का पार्ट 14 है। इससे पहले के वीडियो आप जरूर देखिएगा। हर वीडियोज में कुछ ना कुछ बहुत जरूरी चीजें बताई गई है। आपको पता ही होगा 32 बिहार जे में 35 से ज्यादा आपको स्कोर कटना ही कटना है। अगर 35 से अगर आपका स्कोर कम है तो आप बाहर हो जाते हैं। मैंने पिछले कई सारे वीडियोज में इसकी चर्चा की है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं, आपका इंटरव्यू दो पार्ट में, इनफॉर्मल पार्ट और फॉर्मल पार्ट। इनफॉर्मल पार्ट में आप जज क्यों बनना चाहते हैं, लिटिगेशन में क्यों नहीं जाना चाहते, LLM करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर एकेडमिक में क्यों नहीं जाना चाहते, आप क्यों जुडिशरी ही चाहते हैं। एक वकील की आमदनी एक जज से काफ़ी ज़्यादा होती है, बहुत सारे ऐसे वकील हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो ऐसे तमाम तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। आप कचहरी में पहले दिन क्या करेंगे, गरीबों को इंसाफ कैसे देंगे, तो इस तरह के सवाल। जैसे मैं एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, किसी कैंडिडेट जो गया इंटरव्यू देने यूनिफॉर्म में, तो उसका टाई थोड़ा सा आने जाने में या जैसे भी मिसप्लेस हो गया था, देखने में अजीब सा लग रहा था। तो बोर्ड ने पूछा कि ये टाई आपने खुद बांधा है, तो कैंडिडेट ने कह दिया हाँ। तो बोर्ड ने कहा कि लगता है ट्रैफिक में आने जाने में ये इधर उधर हो गया, इसे खोल दीजिए। तो कैंडिडेट ने खोल दिया टाई को, फिर बोर्ड ने कहा अभी इसे बांध के दिखाइए। अब चूंकि उन्होंने टाई बांधना किसी और से बंधवाया था, पर वो बांध नहीं पाया। मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा, उन्हें 35 से कम नंबर आया। तो सवाल यह है कि आप जज का इंटरव्यू दे रहे हैं, जो लोग आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर आपका एक भी झूठ पकड़ा गया वहां पर, तो आपके लिए, आप चाहे जो भी हो जाए, ये ठान लीजिए, एक्सलेंट मार्क्स लाने का तरीका है कि आप वहां झूठ मत बोलिए। इनफॉर्मल पार्ट में यही सारी चीजें होती, फॉर्मल पार्ट में आपको कॉन्स्टी से, आईपीसी से, आईपीसी से खूब क्वेश्चन होते, आईपीसी फर्स्ट चॉइस, उसके बाद कॉन्स्टी, उसके बाद एविडेंस, उसके बाद प्रोसीजर लॉ CPC CRPC, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट और फैमिली लॉ TPA। अमूमन इन्हीं सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोगों के पास पिछले बिहार जे इंटरव्यू या उससे पीछे 31st, 30th, 29th, ये तमाम जो भी क्वेश्चंस पूछे गए उन सबों का डाटा अवेलेबल है। हम लोग ग्रुप में इन क्वेश्चंस को पोस्ट करते, इनके आंसर बताते। एक चीज और मैं बता दूं, ये जो मॉक इंटरव्यू हुआ, एक फैशन सा बना हुआ है, अमूमन ये धारणा है कि आप जितना ज्यादा मॉक देंगे उतना ही अच्छा हो। तो मैं जहां तक समझता हूँ, हर आदमी का अलग अलग अपना व्यू पॉइंट है, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मॉक और मिरर प्रैक्टिस बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फायदा होता है, लेकिन अगर तैयारी के साथ आप मॉक दें, सब्जेक्ट वाइज मॉक दें, तो मॉक आपका तभी फ्रूटफुल होगा जब उस टॉपिक को आप थॉरोली जानते हैं। अगर उस टॉपिक को आप थॉरोली नहीं जानते हैं और अपने मन से आंसर दिए जा रहे हैं, तो जब तक आपका आंसर लॉजिकली और लीगली करेक्ट नहीं होगा, तब तक ऐसे मॉक, एक नहीं आप हजार मॉक दीजिए, आप वहीं के वहीं रह जाएंगे, कोई फायदा उससे नहीं होगा। तो मॉक में कम से कम जो भी आदमी आपका इंटरव्यू ले रहा है, अगर आपका आंसर सेटिस्फैक्ट्री नहीं है या बोलने में आपकी फ्लुएंसी और कंसिस्टेंसी नहीं है, तो उसका बेस्ट आंसर क्या होगा, एक्सलेंट आंसर क्या होगा, इस पे जरूर आपको वर्कआउट करना है। हम लोग इसी कारण से, आप जहां भी देखेंगे, हम लोग वी आर फर्स्ट टू कैटेगराइज इनफॉर्मल एंड फॉर्मल पार्ट ऑफ इंटरव्यू। हमारे वीडियोज के अलावा और कहीं आप इसकी चर्चा भी नहीं सुनेंगे। हम लोगों ने स्पेसिफिक कैटेगराइजेशन किया,
इंटरव्यू दो पार्ट में, इनफॉर्मल फॉर्मल। आप इनफॉर्मल में झूठ बोले पकड़े गए, इनफैक्ट आपका इंटरव्यू शुरू ही होता है इनफॉर्मल से, और इसमें अगर आपका झूठ पकड़ा गया तो आप समझिए कि वो डेंजर जोन है, उसके बाद फॉर्मल पार्ट। तो झूठ कभी नहीं बोलना, हम लोगों ने कैटेगराइज किया इनफॉर्मल फॉर्मल पार्ट। और सेकेंड जो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग भी मौका आते हैं, आप हमारे हर वीडियोज में देखेंगे कि जो सवाल हमने पूछे हैं उनके जवाब भी बताएं। तो ये चीजें औरों से अलग है, लोग क्या कर रहे हैं उस पर हम ध्यान नहीं देते, हम क्या कर रहे हैं उस पर जरूर ध्यान। इन तमाम चीजों के बावजूद भी मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि हमारे इन वीडियोज में अगर आपको कोई कमी नजर आती है तो कमेंट करके जरूर हमें बताएं, हम उसे सुधारने का हर संभव प्रयास अवश्य करेंगे। हम लोग इस बार ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहे हैं, ऑफलाइन भी स्टार्ट है चल रहा है हम लोगों के। ऑफलाइन का नॉमिनल चार्ज रखा गया, ऑनलाइन इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको इसके लिए एक एडमिशन फॉर्म भरना पड़ेगा, अपने डिटेल्स देने होंगे ताकि ये वेरीफाई हो सके कि यू आर ए जेन्युइन कैंडिडेट, और उसके बाद आपको इंटरव्यू वाले बैच में ऐड कर दिया जाएगा। हम लोग सिर्फ मॉक ही नहीं, मॉक के साथ मॉक क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करते हैं। पिछले इंटरव्यूज में क्या क्या पूछे गए वो सारे क्वेश्चन का सेट, उनका आंसर, 1-to-1 सेशन, आपको ट्रेनिंग देते क्या बोलना है कैसे बोलना, और इन तमाम चीजों के साथ आप हर वीडियो में देखिएगा हमारे। आपसे एक और मैं अपील करना चाहूंगा कि ये तो बिहार जे मॉक इंटरव्यू के जो वीडियोज हैं, हम लोग इधर ही हाल फिलहाल में यूट्यूब पे आए हैं, पहले यूट्यूब पे नहीं थे, तो 32 बिहार का ये तो आ ही रहा, बिहार एपीयू मॉक इंटरव्यू के भी 70-75 वीडियोज हैं, उन वीडियोज को भी आप देख जाइएगा, इन वीडियोज को भी देख जाइएगा, तो आपके पास एक क्वेश्चन बैंक होगा इंटरव्यू का विथ आंसर्स, तो इससे भी आपकी एक अच्छी तैयारी हो सकती है। अगर आप हमारे साथ मिलकर अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर 9262810582 पे अपना नाम और 32 बिहार मॉक इंटरव्यू लिखकर हमें व्हाट्सएप कर दें। कुछ औपचारिकताओं के बाद, जैसे एडमिशन फॉर्म वगैरह भरने के बाद, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, और अगर आप कैंडिडेट हैं तो जरूर मोस्ट वेलकम, हमारे साथ मिलकर अपने सपने को साकार कीजिए। और अगर इन केस इफ यू आर नॉट द कैंडिडेट, तो आपकी जानकारी में जो कोई भी कैंडिडेट है उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, उन तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। तो आइए देखते हैं पार्ट 14 करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू जो है रागनी, ये क्वेश्चन आपसे कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का कोई प्रोविजन दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में? यस सर, अंडर आर्टिकल 366 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यस रंजन, आप बताइए। सर, एज फार एज आई कैन रिकॉल सर, सॉरी आर्टिकल 366 सर। आर्टिकल 366 में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 366 में। चेक कीजिए, डेफिनेशन दिया हुआ है, चेक कीजिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का क्या आर्टिकल है और चेक करके। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, मतलब इतना पूछा गया है, अनेकों बार पूछा गया है, तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है। इसको चेक कीजिए, फाइंड आउट 367 या 267 में है। 266(1) सर। यस सर, सॉरी सर। हाँ तो ये, हाँ, और इसमें 266 का क्लॉज 1 और 267 में कंटिंजेंसी फंड है। तो चलिए ये जान गए। अगर अब मैं सवाल आपसे पूछूं इसी बारे में कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का क्या प्रोविजन है कॉन्स्टी में, बताइए।
यस रंजन आप बताइए। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का क्या प्रोविजन दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो आपको बोलना द प्रोविजन रिगार्डिंग कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 266 क्लॉज 1। पूछा जाए कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है, तो क्या होता है कंसोलिडेटेड फंड? ऑल नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेज एंड ड्यूटीज, ऑल रेवेन्यू जनरेटेड, तभी तो कंसोलिडेटेड होता, सब कुछ जोड़ के जो आता है डेट इज कंसोलिडेटेड। रागनी आपसे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंटिजेंसी फंड? सर, इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी और इन द शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग द गवर्नमेंट प्रोवाइड और स्टेट प्रोवाइड द मनी। यस अ प्रोविजन 267 ऑफ दैट्स गुड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यस यस सैयद इकबाल अब आपसे अगला क्वेश्चन है, राइट टू प्रॉपर्टी किस तरह का राइट है? राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बहुत डिस्प्यूट है। कुछ पब्लिक सर्विस कमीशन के वेबसाइट पे उनके ऑफिशियल आंसर की में इसको स्टैट्यूटरी राइट माना गया है और कुछ जगह इनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट माना गया। हरियाणा में इसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट माना गया और बाकी सब जगह इसे स्टैट्यूटरी राइट माना गया है। इस पे मियरली बिकॉज समथिंग इज मेंशन्ड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या आर्टिकल, पहले तो ये बताइए कि आर्टिकल 300A जो है क्या कोई राइट देता है? एक सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा, जी आलम सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बस ठीक है, हम लोग का बस 3-4 दिन में सब कुछ रेडी हो जाएगा, डिजिटल बोर्ड वगैरह सब लग रहा है। कहाँ पे चालू कर रहे हैं सर? बोरिंग कैनाल रोड में, वो देवरानी जेठानी के सामने। अच्छा, उसके सामने कर रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, वहीं पे मेडिकाना के बगल में। अच्छा, बहुत अच्छा जगह, जगह भी अच्छा है सर। 2000 स्क्वायर फीट है। तो फर्क रख देना, कितना रेंट ले रहा है सर? 50। ठीक है, 2000 स्क्वायर फीट तो ठीक है। हाँ, सब बड़ा सा क्लासरूम वगैरह, अब हम लोग उसमें एसी वगैरह, मतलब थोड़ा बहुत खर्च किए हैं, जो दिखता है वही बिकता है। लैपटॉप का भी ऑर्डर दे दिए हैं कंपनी को। अच्छा, दे दिया। हाँ हाँ, तो सब थोड़ा सा फी स्ट्रक्चर को रिवाइज किए हैं, क्योंकि क्योंकि उसमें 70,000 में जो हम लोग लैपटॉप देंगे 40,000 का ही ना, तो कुछ हम लोगों को नहीं बच पाएगा। हाँ जीरो, तो कुछ है, थोड़ा बहुत हम लोगों को भी मिले, लेकिन लैपटॉप देंगे, मतलब जिनको चाहिए उनको देंगे, जिनको नहीं चाहिए उनका नहीं। हाँ, हम मंडे को आके मिलते हैं। हाँ, अभी इंटरव्यू का क्लास हो रहा है और 9:30 में क्लास खत्म होगा, हम आपको कॉल करते हैं 9:30 9:40। ठीक है, ठीक ठीक। There was some urgent call. चलिए, क्वेश्चन ये था कि जो राघवेंद्र, ये दिस क्वेश्चन गोज टू यू ऑल्सो। जी सर। राइट टू प्रॉपर्टी किस तरह का राइट था? सर, राइट टू प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहता दिया हुआ है, तो
कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी मानेंगे सर, लेकिन आप जैसे बताए वैसा हम भी देखते हैं बहुत जगह। हाँ, तो देखिए जो आर्टिकल 300A है, डज इट गिव यू ए राइट? सर ये कहता है आर्टिकल 300A की नो पर्सन शैल बी डिप्रीव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, तो एक एक्सप्रेस राइट तो नहीं देता है बट ये प्रोटेक्शन। ये किसी आप देखिए ये कहना कि भाई कानूनी तरीका से आपकी संपत्ति लेंगे, इज इट इन टू द नेचर ऑफ राइट? गैर कानूनी तरीके से तो कोई भी नहीं ले सकता, डेट वुड बी ऑफेंस। प्रॉपर्टी हम कानूनी तरीके से लेंगे, इज इट इन टू द नेचर ऑफ राइट? What guarantee provides constitution? Right to property is only mentioned into the constitution. But does it give you any right? ये question पूछा गया है हमारे स्टूडेंट से, और इस क्वेश्चन पे करीब इसी क्वेश्चन पे पूरा इंटरव्यू हुआ 8 से 10 मिनट का, और ये 10 मिनट का इंटरव्यू होके उनको जो है कि बहुत अच्छा नंबर दिया गया 81 नंबर। तो देखिए आप लॉजिकली बोलेंगे तो वहाँ बहुत अप्रिसिएट होगा। हमने ऐसा भी देखा है कि सिर्फ एक क्वेश्चन से भी इंटरव्यू डिसाइड हो जाता है, जैसे आप किससे बात करते हैं एक ही बात में आप इम्प्रेस होगा। हालांकि ये जो टेंडेंसी है कि एक ही क्वेश्चन से इंटरव्यू को डिसाइड करना, दिस इज नॉट ए गुड टेंडेंसी, बट ऐसा सुनने में आया है। अब आई डू नॉट नो, मतलब अब ये जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ वो आप लोग कानून के स्टूडेंट हैं। एम आई ए डायरेक्ट पार्टी? आप कानून के स्टूडेंट हैं, थोड़े मजाकिया लहजे में क्या जो मुझे जानकारी मिली, इज इट माई फर्स्ट हैंड नॉलेज, और ये सुनी सुनाई बातें हैं? इज इट हियर से और इट इज एविडेंस? यस ऑब्वियसली दिस, बिकॉज मैंने तो इंटरव्यू नहीं दिया, मुझसे तो नहीं पूछा गया, जिनसे पूछा गया उन्होंने मुझे बताया, और उन्होंने जो बताया उस आधार पे मैं आपको बता रहा। तो कानून की नजरिए में तो इसकी एडमिसिबिलिटी मैं थोड़ा आपसे डिस्कस करके, लॉ एक ऐसा कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है जितना हम डिस्कस करेंगे उतना ही अच्छा होगा, और जब तक आप टॉपिक को अच्छे से समझते नहीं चारों खाने चित गिरेंगे। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट हो गया ना तो नाक मुंह ऐसा टूटेगा और फूटेगा कि पता भी नहीं लगे, ऐसा मैजिकल सब्जेक्ट है लॉ। तो ये फाइन एनफ, मेकिंग ए प्रोविजन दैट यू शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ योर प्रॉपर्टी बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, डज एनी राइट इज गिवन टू यू? गैर कानूनी रूप से हम आपकी संपत्ति नहीं लेंगे, क्या एहसान कर रहे हैं मेरे पर? क्या आप गैर कानूनी तरीके से मेरी संपत्ति ले सकते हैं? नहीं सर, जैसे अभी हाल फिलहाल में ये आया है कि जैसे भी लैंड एक्विजिशन गवर्नमेंट करती है तो उसका इक्विटेबल कंपनसेशन जो है That's a separate thing. मैं थोड़ा सा बैकड्रॉप में, और इसी कारण से ये हॉटली कंटेस्टेड केसेज हैं सारे में, गोलकनाथ, मिनरवा मिल, आपका केशवानंद भारती, सब मतलब प्रॉपर्टी हमेशा इसेंस रहा है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये हवा में तो होगा नहीं, प्रॉपर्टी पे ही होगा, लैंड चाहिए।
तो जो जमींदार वगैरह थे या बहुत सारे, वो अपने लैंड को छोड़ने को तैयार नहीं था, और फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे फंडामेंटल राइट बना दिया था। तो सरकार को लैंड चाहिए था, लैंड एक्विजिशन एक्ट के 9th शेड्यूल भी बनाया गया, और उसमें अगर कोई एक्ट तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, आगे हम लोग चर्चा करेंगे उन सारे चीज़ों को। मेयरली बिकॉज सम स्टेट्यूट इज प्लेस्ड इन टू 9th शेड्यूल, कैन इट्स कॉन्स्टिट्यूशनलिटी बी चैलेंज्ड और नॉट? सर किस केस में ऐसा कहा गया था? यस, तो दैट्स गुड। तो हुआ क्या कि अब एक तरह से हंगामा हो गया कि जब ये हटाया गया आर्टिकल 300A को, जब आर्टिकल 300A को बनाया गया तो शांत करने के लिए कि भाई ये इट वॉज ए पॉलिटिकल जिमिक, पॉलिटिकल प्लाय कि भाई आप परेशान मत होइए और हम आपको दे रहे हैं 44th अमेंडमेंट के जरिए आर्टिकल 300A को लाया गया, ये जरूर याद रखिए। तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, गवर्नमेंट का ऐसा इंस्टांस था, और जितने हमारे लीगल थिंकर हैं, मियरली बिकॉज समथिंग इज प्लेस इन टू द कॉन्स्टिट्यूशन डज इट बिकम ए राइट? कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें हैं, क्या सबकी सब राइट हैं? राइट गिव्स यू सर्टेन प्रिविलेजेस। हम आपकी प्रॉपर्टी गैर कानूनी तरीके से नहीं लेंगे तो क्या मेरे पे आपने एहसान कर दिया? मेरे को क्या मिला आपसे? तो इट वॉज ए ब्रेन वॉश। और अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोसीजर होता कि हाउ ए मैन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी, तो देर मे हैव बीन कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड, वी कुड से इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। द लॉ डिप्राइविंग द प्रॉपर्टी हैज टू बी फ्रेम्ड सेपरेटली, लाइक लैंड एक्विजिशन एक्ट। तो ए मैन इज टू बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी, फॉर एग्जाम्पल लैंड एक्विजिशन एक्ट, तो डेट इज अ स्टेट्यूट और डेट इज कॉन्स्टिट्यूशन। सर तो इन माई व्यू आई थिंक दैट दिस इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, दिस इज मियरली ए स्टेट्यूटरी राइट। और ये मतभेद है, कमीशन अलग, कहीं पे इसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट माना जाता, कहीं पे इसे स्टेट्यूटरी राइट माना जाता। दिस इज नॉट सेटल्ड। सुप्रीम कोर्ट के भी दो जजमेंट हमने देखे, एक में कह दिया स्टेट्यूटरी राइट, दूसरे में कह दिया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, तब किसकी माना? वैसी स्थिति में लॉ कहता है कि इन द इवेंट ऑफ टू कंफ्लिक्टिंग जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट द लेटेस्ट वन शैल प्रिवेल। तो लेटेस्ट वन इज रिगार्डिंग स्टेट्यूटरी राइट। तो इस डिस्कशन के मद्देनजर अगर अब आपसे पूछा जाता है तो अब मैं डिस्कस कर लिया, अब आप लोग जवाब दीजिए। यस मनीष, आर यू रेडी टू फेस ए क्वेश्चन? यस सर। ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है किस तरह का राइट है? राइट टू प्रॉपर्टी इज मेयरली अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फ्रॉम द आर्टिकल फ्रॉम द 44th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आप शायद देर से ज्वाइन किए, कुछ डिस्कशन निकल गया।
सैयद इकबाल आप बताइए, ये राइट टू प्रॉपर्टी किस तरह का राइट है? सर राइट टू प्रॉपर्टी बेसिकली टॉक्स अबाउट डिप्रेविंग अ पर्सन ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ. सो इट इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज पर आर्टिकल 300A. बट एट द सेम टाइम सिंस अ प्रॉपर्टी इज बीइंग डिप्रेव्ड फ्रॉम अ पर्सन and it has to be done in accordance with that with the statute, for example Land Acquisition Act. So there are conflicting judgments as well, where it has been recognized as constitutional right as well as statutory right, and as per the latest decision it has been recognized as a statutory right. So it can be said that it is as a statutory right. Yes, Ranjan Bhadani. राइट टू प्रॉपर्टी किस तरह का राइट? यस यस सर, राइट टू प्रॉपर्टी इवन नो प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 300A. बट सर इट डज नॉट से कि सर इट इज कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, बिकॉज बाय द अदर लॉ इट कैन बी कर्टेन्ड. सो वी कैन से दैट राइट टू प्रॉपर्टी इज मेरे रागनी, आपसे यही क्वेश्चन. सर अकॉर्डिंग टू अमेंडमेंट 44 अंडर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, बट देर आर अदर लॉज प्रोवाइडेड विच पर्टेन और विच डिप्राइव द पर्सन टू टेक द प्रॉपर्टी. सो इट कैन बी सो इट कैन से दैट क्लियरली इट इज अ स्टैट्यूटरी राइट. सारा जबीन सारा माइक ऑन कीजिए. सारा नोट शेयर देखिए, हम लोगों को जो इसका आंसर है कैसे देना है. रंजन का आंसर कुछ हद तक ठीक था, दो इट इज प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट सिंपली सेज दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव दैट अथॉरिटी ऑफ सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ. सो दो इट इज प्लेस इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट डज नॉट गिव any of the constitutional right. A man can be deprived by the statute. So for example, Land Acquisition Act, in case a man is to be deprived of his property, he has to be given a fair compensation. So right to get a fair compensation in the event of deprivation of the property flows from the statute, not from the constitution. So it appears that it is more into the nature of a statutory right. वो आपको यहाँ पे हिट बैक करेंगे 1001% मान के चलिए, कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो आप कहिए कि कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है गिवन इनटू द, तो आप कहिए कि सर this is simply mentioned that no person shall be deprived of his property. So it does not confer a right, though it is mentioned in the constitution. तो कहेंगे constitution में तो लिखा हुआ है कि save that authority of law. तो आप कहिए कि a man is to be deprived of his property by authority of law. Therefore the law protects a man against illegal deprivation of the property. Constitution does not, constitution simply says. तो इस तरीके से आपको शॉर्ट में वहां पर बोलना है. इसको समझने के बाद एक बार फिर ट्राई करेंगे बोलने का, या अगले क्वेश्चन पे बढ़ें. Ragni, try once again.
Sir, as in Constitution, by the Amendment Act 44, there is a property, the right to property given as a constitutional right. But this right can be taken away by a person through the another act, like Land Acquisition Act. So we can say that it is merely a statutory right, not totally the constitutional. थोड़ा बोलने में असहज महसूस कर रहे हैं? Yes, sir. ये वीडियो सुन के ये आंसर कॉपी में लिख के शीशे के सामने प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये दिक्कत दूर हो जाएगी आपकी. यहाँ पे मिरर प्रैक्टिस, यू रिक्वायर ए बिट मोर मिरर प्रैक्टिस. सैयद इकबाल, आप ट्राई करना चाहेंगे? The right to property is mentioned under Article 300A of the Constitution, but it says that no person shall be deprived of his right to property except by authority of law. So, sir, although it is mentioned in Constitution, but there are statutes like Land Acquisition Act which can be used to take property of a person. So it can be said that right to property बेटू, अभी क्लास में होल्ड कर रहा हूँ, 9:30 फ्री होते ही कॉल करता हूँ. तो फाइन एनफ, ये पोर्शन हो गया. बीच में कॉल वगैरह आ गया था तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था मैं. कमिंग बैक टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये व्हाट इज अ स्पेशल प्रोविजन फॉर एससी एंड एसटी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? एससी एंड एसटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल प्रोविजन क्या है? 15(4) है. और एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एक्ट भी, एट्रोसिटीज एक्ट भी बनाया गया. और क्या प्रोविजन है एससी एसटी के लिए? एससी एसटी कमीशन है उसका आर्टिकल, उसका आर्टिकल, तो ये 338 शेड्यूल कास्ट का और 338 है शेड्यूल ट्राइब का. और ये ओबीसी और बीसी कैटेगरी का कोई स्पेशल प्रोविजन? आर्टिकल 15 में भी कुछ है? हाँ, तो ये आपको 15, 16 और आगे के जो आर्टिकल हैं आपके 338 बी, ये सब भी बताना. कोई स्पेशल प्रोविजन वुमेन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में? हाँ, और चिल्ड्रन, वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ दिया हुआ है, कौन से पार्ट में? पार्ट क्या है उसका? जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ.
यस, और उसमें लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्या होगी? और ये थोड़ा माइक्रोफोन को म्यूट कर दीजिए। ये रीजनल लैंग्वेज का भी कोई प्रोविजन है? रीजनल लैंग्वेज ये चैप्टर आर्टिकल 345 जो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट कम्युनिकेशन अदर, तो ये जो डाला गया है आप 345 के ऊपर देखिए, चैप्टर 2 है और ये पार्ट 17 का चैप्टर 2, दिस पार्ट एंड दिस चैप्टर डील्स विथ प्रोविजन फॉर रीजनल लैंग्वेज। द रीजनल लैंग्वेज ए लैंग्वेज व्हिच इज टू बी स्पोकन इन टू अ स्टेट और ए पार्टिकुलर रीजन मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट। यस, तो इसमें ये भी दिया हुआ है कि स्टेट और हिंदी एज द लैंग्वेज टू बी यूज फॉर ऑल और एनी ऑफ द ऑफिशियल, और लेजिस्लेचर जो है वो इंग्लिश को भी कंटिन्यू कर सकता है। तो ये आपको लैंग्वेज है पार्ट 17। अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया तो सबसे ज्यादा ये पूछा गया, तो इसके आर्टिकल नहीं भूल जाएं, इसके पार्ट नहीं, इनको आप कवर कर लीजिएगा। डेट इज वेरी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन का ट्रेंड है पूछने का। व्हाट इज कंस्टिट्यूएंट पावर? क्या इंडियन पार्लियामेंट हैज एनी कंस्टिट्यूएंट पावर? कंस्टिट्यूएंट पावर की बात किस केस में हुई? आर्टिकल 368 इज ए कंस्टिट्यूएंट पावर, और कॉन्स्टिट्यूएंट अबाउट राइट टू अमेंडमेंट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोसीजर देयर ऑफ। कंस्टिट्यूएंट पावर के अच्छा एक बार पूछ लेते। यस मनीष, इट इज ए वेरी फेवरेट क्वेश्चन। जब आप इंटरव्यू के बेसिक स्टेजेस को पार करके एडवांस स्टेज में जाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं थोड़ा सा बैकड्रॉप दे दूं, ये गोलकनाथ के केस में कहा गया था और उसमें कहा गया था कि पार्लियामेंट डज नॉट हैव कंस्टिट्यूएंट पावर। कंस्टिट्यूएंट पावर था उनके पास फ्रेमर्स ऑफ आवर कंस्टिट्यूशन, वो जैसा कंस्टिट्यूशन चाहते वैसा ही कंस्टिट्यूशन फ्रेम कर सकते थे, उनके ऊपर किसी भी तरह का लिमिटेशन नहीं था। तो द पावर कन्फर्ड अपॉन कंस्टिट्यूएंट असेंबली टू frame the constitution as in the manner they like is known as constituent power. हमारे पार्लियामेंट के पास लेजिस्लेटिव पावर, तो लेजिस्लेटिव पावर cannot bypass the constituent power, और इस कारण से गोलकनाथ में क्या कहा था कि फंडामेंटल राइट एट सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट, और क्या कहा गया था? नॉट टू अमेंडमेंट। तो गोलकनाथ केस आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, और जब कभी टाइम मिलेगा तो गोलकनाथ केस में सबसे जो अहम बात है, आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा? तो बिकॉज ऑफ दैट कंस्टिट्यूएंट पावर। हम लोग किताबों के टेस्ट, पूरा केस लॉ जजमेंट के टेस्ट को, अब चलिए एनीवे, मतलब कंस्टिट्यूएंट पावर इट कम्स आउट
फ्रॉम गोलकनाथ केस। केशवानंद भारती में गोलकनाथ केस वॉज अपहेल्ड और ओवररूल्ड। यस, तो अब चलिए थोड़ा फीडबैक दे दिया गया, आप ट्राई कीजिए। यस रागनी बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय कंस्टिट्यूएंट पावर? The power vested to the members of Constituent Assembly to draft their own constitution as in the manner they preferred, without any limitation, is known as the Constituent power. आप समझे? हाँ सर। एक बार बोलिए इसको। आप लोग वीडियो सुन के जो है ना आंसर को नोट कर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा और फिर शीशे के सामने प्रैक्टिस कीजिएगा अपने लहजे में, तो उससे बहुत लाभ होगा आप लोगों को। तो दिस ट्राई कीजिए एक बार फिर से। बोलने में दिक्कत हो रही है। मनीष कैन यू ट्राई? यस सर, ट्राई कीजिए। कंस्टिट्यूएंट पावर मींस द पावर वेस्टेड विद द मेंबर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज कॉल्ड कंस्टिट्यूएंट पावर। बट इन द केस ऑफ रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशन, द कंस्टिट्यूएंट पावर वेस्टेड विद द लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया, व्हिच हैज बीन गिवन इन Article 368 of the Constitution of India. It means Parliament has a power to amend the constitutional provision. Power to amend is different. Power to amend is same as constituent power or what? Sir, it is not as same as Article 1998. Power to amend the constitution, amending power is known as constituent power. No sir, no. Framing the constitution is called constituent power. The first time when the constitution was framed by constituent assembly, they were authorized by that British government to frame their own constitution. They had no limitation upon them. They could have framed the constitution as in the manner they would have liked. But kya Indian Parliament, can it reframe its own constitution, totally ignoring the previous constitution? No. No sir, but हम लोग वो तो केशवानंद भारती में कहा गया था इन्हीं चीजों को गोलकनाथ। हम लोग इस जो अभी लॉ स्टूडेंट या लॉ प्रोफेसर्स या लॉ टीचर्स, हम लोग जजमेंट को डायरेक्ट पढ़ेंगे तो बहुत फायदा होता इन्हीं सारी चीजों को तो। लेकिन थोड़ा सा इशू भी है, केशवानंद भारती का जजमेंट बहुत बड़ा जजमेंट है, 500-600-700 पेज का। गोलकनाथ भी वैसा ही है। अब उतना पढ़ना, पढ़ के उतना समझना, किसके पास समय है, किसके पास पेशेंस है, दो चार लाइनें आधी अधूरी किताबों से देख लिया। ऑल दीज एस्पेक्ट डिस्कस इन टू केशवानंद भारती केस, दो इन टू केशवानंद भारती केस। सो फार एज द कंस्टिट्यूएंट पावर, द कोर्ट एग्रीड, बट कोर्ट ने उस पर अपना कोई डिसीजन नहीं दिया। एंड कोर्ट सेड कि पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एज लॉन्ग इट डज नॉट वायलेट कौन सा फीचर? बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बट व्हाट इज द बेसिक फीचर? Is not just one second. मैं थोड़ा आपको इनपुट दे रहा हूं, इस इनपुट को ध्यान से सुनिए।
दो इंटू केशवानंद भारती केस इट वॉज हेल्ड दैट पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एज लॉन्ग इट डज नॉट वायलेट द बेसिक फीचर. अब वट इज द बेसिक फीचर, इट हैज नॉट बीन डिफाइंड इन एनी केस. वट इज बेसिक फीचर हैज नॉट बीन इवन डिफाइंड इन केशवानंद भारती केस. Instances of basic feature has been cited only. Why a feature is a basic feature and why a feature is not basic feature? What is the test of basic feature? There has been no discussion. अब बहुत सारे आप किताबों में देखेंगे कि basic feature को define किया गया केशवानंद भारती केस में. आप जाके वहां पे बोलेंगे, ये अधिकतर बच्चे लोगों का यही आंसर होगा. आप लोगों ने भी यही पढ़ा होगा. आपको किसी भी दिन अगर जजमेंट में मिले कि डिफिनेशन ऑफ बेसिक फीचर हैज बीन प्रोवाइडेड इनटू केशवानंद भारती केस, तो मुझे जरूर कॉल कीजिए. बेसिक फीचर इवन टिल टुडे हैज नॉट बीन डिफाइंड. Citing examples of basic feature and defining the basic features, both are same or both are different? तो आपको थोड़ा माइक को, आपको इस अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द बेसिक फीचर, तो आप कहिए कि इट इमर्जेज आउट फ्रॉम, आपको बैलेंस आंसर देना है. अब इस तरह से डिस्कस नहीं करना कि इट कम्स आउट फ्रॉम द केस ऑफ केशवानंद भारती केस, सर्टेन फीचर्स वर साइटेड एज द बेसिक फीचर. व्हिच इज बेसिक फीचर को क्या इंडियन पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है? तो बेसिक फीचर का आर नॉट सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट, इट कैन नॉट बी अमेंडेड. एंड सिंस द बेसिक फीचर कैन नॉट बी अमेंडेड, डज इट प्लेस लिमिटेशन अपॉन द पावर ऑफ पार्लियामेंट? Legislative power of parliament is absolute or subject to not abrogating the basic feature? And therefore the Indian parliament इज लिमिटेड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसलिए हम लोग पढ़ते हैं द लिमिटेड गवर्नमेंट. ये हम लोगों ने पहले भी डे, तो देखिए आपका विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. जितना क्लियर है उतना इफेक्टिव होगा और उतना ही अच्छा आपका ग्राफ बन के आएगा और उतना ही अच्छा नंबर. और ये बहुत माइनर माइनर सी चीजें हैं, कोई बहुत, आप खुद देखिए तय कीजिए क्या केशवानंद भारती में बेसिक फीचर का डिफिनेशन दिया गया है या इंस्टांसेज ऑफ बेसिक फीचर हैव बीन साइटेड. एनी ऑफ यू और कमाल की बात है कि पीटी में क्वेश्चन भी पूछा गया कि बेसिक फीचर किस केस में डिफाइन किया गया. Answer is Keshavanand Bharti. That question is factually wrong. Basic feature has not been defined so far. Kya Anurag, constitution expert? Yes, sir. Do you agree or do you have reason to differ with me? No, sir, I agree. Basic feature.
हम लोग तो बेसिक फीचर पे बहुत लंबा क्लासेस लेते हैं, 5-6 फुल लेंथ क्लासेस, एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे की। बहुत सारे केस लॉ को भी डिस्कस करते हैं, जजमेंट का टेक्स्ट भी दिखाते हैं फाउंडेशन बैच में। यस, और तब भी वो टॉपिक कंप्लीट नहीं होता, तब भी छः छः सात सात क्लास, डेढ़ घंटे की एक क्लास, दो घंटे की नॉन स्टॉप क्लास। हम लोग थोड़ा ज्यादा ही डिटेल में करते हैं, लेकिन चलिए ठीक है, लेकिन उसे जो कंसेप्ट निकल के आता है डेट इज बहुत अच्छा। तो अब मैं बेसिक फीचर से पूछूंगा, सैयद इकबाल, इन विच केस बेसिक फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिफाइंड? सर, इट इज बेसिक फीचर आर नॉट डिफाइंड एनीवेयर, बट इट वाज हेल्ड इन केशवानंद भारती केस। Held or in Keshavanand Bharti case, certain examples of basic feature have been cited. Yes, sir. Certain examples of basic features have been cited. देखिए ये यही बोलने में आपको तालमेल बनाना है, इसको आराम से सोच सोच के कॉपी में लिख लीजिए अपने शब्दों में, और शीशे के सामने आपकी कंसिस्टेंसी और फ्लुएंसी। अब मुझे नहीं पता कि एक अच्छे इंटरव्यू के लिए कंसिस्टेंसी और फ्लुएंसी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप लोग बताइए। आप लोगों से मैं जानना चाहता हूँ, क्या रंजन एक अच्छे इंटरव्यू के लिए कंसिस्टेंसी और फ्लुएंसी चाहिए या नहीं चाहिए? तो इस जो बोलने में आप असहज महसूस कर रहे हैं, तो उसको कॉपी में लिखिए और शीशे के सामने प्रैक्टिस कीजिए। हम जो भी आपको बता रहे हैं एक्यूरेट, हम लोगों का विश्वास है टीचिंग बियॉन्ड एक्सलेंस, अपने लेवल से जितना हो सकता करते जा रहे हैं। एक आदमी ट्राई कीजिए, मनीष आपसे क्वेश्चन कि व्हाट इज द टेस्ट ऑफ बेसिक फीचर? The test of basic feature, next of basic feature has not been defined anywhere in the constitution, nor through any judgment of the Supreme Court. The test of basic feature is, like, because the core area of the constitution cannot be amended or cannot be curtailed. So it can be created to the basic feature of the constitution, like a fair and free election of the in India, it is called the basic feature. It can be a basic feature. Secularism. Supremacy of constitution. बहुत सारे फीचर को एडिट किए गए हैं बेसिक फीचर में, बहुत सारी चीजों को। और उसके बाद तो अगर टेस्ट पूछे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट करके मारा था आपसे, जैसे डिस्कशन होता है ना, तो ये जो ट्विस्टिंग है ना बाएं दाएं वाले क्वेश्चन, तो वो भी कवर हो जाएंगे। तो आपके ये कि सो फार एज नो टेस्ट हैज बीन सजेस्टेड सो फार, एज पर मी द कोर आपने बिल्कुल सही दिया, सही बताया और सही तरीके से कहा। तो थोड़ा सा कंसिस्टेंसी और फ्लुएंसी को लाना है, वो कॉपी में लिखे मिरर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत शानदार और बेहतरीन आ जाएगा। जिन लोगों को भी बोलने में प्रॉब्लम या हेजिटेशन हो रही है तो आप लोग जरूर उसको कीजिए, बहुत ही फायदा होगा। आप आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये इमरजेंसी प्रोविजन, ये जो इमरजेंसी प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कितने तरह के इमरजेंसी प्रोविजन हैं? कौन कौन? नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल। ये जो नेशनल इमरजेंसी है इसमें कुछ इंटरनल डिस्टरबेंस जो पहले था वो कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया?
इंटरनल डिस्टरबेंस को हटा दिया गया और उसकी जगह क्या लगाया गया? आर्म्ड रिवेलियन किया गया जी। इंदिरा गांधी, चूंकि वी हैड एक्सपीरियंस, इंदिरा गांधी वाला जस्ट में इंदिरा गांधी जो है इलेक्शन हार गई थी, अलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि अनफेयर मींस इन्होंने इस्तेमाल किया है। इंदिरा गांधी ने अपील फाइल किया, उनको लगा कि सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ वर्डिक्ट देगा, तो इंटरनल डिस्टरबेंस के ग्राउंड पे उन्होंने इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर दिया। ये भी कहा जाता है कि जो इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन के लिए ये प्रेसिडेंट को एक राइटिंग में देना पड़ेगा, डिसीजन ऑफ यूनियन कैबिनेट, और राइटिंग में देंगे तो प्रेसिडेंट को राइटिंग में भी नहीं दिया गया था, बाद में राइटिंग में दिया गया और बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स के साइन उस पर बाद में कराया गया था, ये आरोप लगता है। तो और चूंकि ऐसा ना हो, इंटरनल डिस्टरबेंस एक बहुत बड़ा इलाका, कुछ भी हो सकता है इंटरनल डिस्टरबेंस, तो इंटरनल डिस्टरबेंस जो शब्द है उसका मिसयूज ना हो आगे चलकर, तो इसीलिए उसको उस वर्ड को हटा दिया गया और उसकी जगह द वर्ड सब्स्टिट्यूटेड वाज आर्म। हाँ, तो टोटल कितने ग्राउंड हैं जिसके ग्राउंड पे नेशनल इमरजेंसी कैन बी इन्वोक्ड? कौन? एक्सटर्नल एग्रेशन और हाँ, बस इसमें इतना ही पूछा जाता। इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट का क्या, नेशनल इमरजेंसी फंडामेंटल राइट क्या सस्पेंड होते नहीं होते ड्यूरिंग प्रोक्लेमेशन ऑफ एन इमरजेंसी? सवाल को ध्यान से सुनिएगा। इमरजेंसी प्रोविजन से जो इसे ध्यान से सुनिएगा, इसमें ब्लंडर होता है। सवाल को ध्यान से सुनिए, एक से दो सेकंड का पॉज दीजिए और फिर आंसर। मेरा सवाल यह है, वेदर फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी और नॉट? एब्सोल्युटली करेक्ट, सैयद इकबाल का एक्सलेंट आंसर, परफेक्ट आंसर। फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड और रिमेडी सस्पेंडेड? रिमेडी टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स इज सस्पेंडेड, और इसके लिए आर्टिकल 359 का पढ़िए, राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट कंफर्ड बाय पार्ट थर्ड एक्सेप्ट आर्टिकल 20 and 21। आप में से एक आदमी निकालिए, इसको पढ़िए, जरूरी है और यही पूछा जाता है। आप वहां बोल के चले आए कि फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड, ये आपका आंसर सही होगा? कितनी क्लैरिटी है। तो इस और ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आई वुड लव टू, आप खुद पढ़ के सुनाइए एक आदमी, अगर आप में से किसी के पास है। Right,
enforcement of the right, no mention shall delay suspended for the period during which the proclamation is in force or for such shorter period as may be specified. तो उसमें इसमें थोड़ा हाँ ये आर्टिकल 359 में फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सस्पेंडेड, रिमेडी टू इनफोर्स फंडामेंटल राइट इज सस्पेंडेड एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। एडीएम जबलपुर का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने उसमें, आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा। एंड दैट डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इवन टिल टुडे इज क्रिटिसाइज। सुप्रीम कोर्ट ने डिटेंशन को जस्टिफाई किया था या इलीगल कहा था? शिवकांत शुक्ला का जो डिटेंशन था वॉज डेट कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल? चलिए एक आदमी कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, एक आदमी कह रहे हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसको एक बार पढ़िएगा, कल हम फिर पूछेंगे। मेरा एक स्पेशल क्वेश्चन होगा एडीएम जबलपुर शिवकांत शुक्ला, एक बार सब लोग अपने अपने नोट्स वगैरह रिवाइज कर लीजिएगा। और शिवकांत शुक्ला के केस को आप जैसे भी करें इसको तैयार करना है आपको, क्योंकि आज का समय खत्म हो चुका है, आज समय नहीं है और हम भी सारे दिन से थक के आए हैं। कुछ चीज़ें रह गई हैं जो डिस्कशन होने में, जैसे फॉर एग्जांपल सेकुलरिज्म से क्वेश्चन, ये प्रीएम्बल में वर्ड सेकुलर जोड़ा गया था 42 अमेंडमेंट से, क्या इससे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर था कि नहीं था, माइनॉरिटीज को क्या सेफगार्ड प्रोवाइड किए गए हैं, और गवर्नर वाला तो शायद कल हम लोगों ने कर लिया था। तो जो कुछ थोड़े बहुत टॉपिक रह गए हैं कॉन्स्टी के वो टॉपिक कल करेंगे हम लोग, और उसके बाद डॉरी डेथ से संबंधित करेंगे। तो डॉरी डेथ पहले 304B में था, अब BNS में कितना सेक्शन 80, अब तो डॉरी डेथ और साथ में जो प्रिजम्पशन था 113B और 113A 113B डॉरी डेथ जो IPC का 498A था, डॉरी डेथ 80 है या 79 है, ये इस बार जो है ना हम लोगों को भी है। और 85 शायद है 498A शायद, हम लोगों को भी अभी याद नहीं हुआ। जो मुझे जहाँ तक लगता है ये 498A दिस इज परहैप्स 85 ही है ना, हाँ। तो डॉरी डेथ उसके प्रिजम्पशन से वगैरह और उसे क्वेश्चन रहेंगे। हम लोगों का जो पिछले बिहार इंटरव्यू में जो सवाल पूछे गए हैं ना, अपनी मर्जी देखिए, सवाल तो जो आपका सिलेबस है हजारों लाखों हो सकता, अनलिमिटेड क्वेश्चन सोच सकते हो, तो अपनी एनर्जी को प्रॉपर दिशा में लगाना है। जो पिछले इंटरव्यूज के जो क्वेश्चन हैं
उनको कर लीजिए, जो आपका कंटेंट है स्टार्टिंग में मेन मेन चीजें कर लीजिए, और उससे बाहर क्वेश्चन नहीं होगा। आई होप एंड बिलीव कि यू आर इन टू सेफ जोन। तो आज के लिए इतना ही, सी यू टुमारो, थैंक्स फॉर अटेंडिंग सेशन, गुड नाइट।